हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित तिवारी और इंग्लिश टीचर. स्टूडेंट्स, वी हैव बीन स्टडिंग द फिफ्थ लेसन ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक. एंड इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑफ दिस लेसन वी हैव सीन दैट देर वॉज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल एंड ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन हिमसेल्फ एंड बिकेम इनविजिबल. He was a person who does not follow law, and just because of this, his landlord wanted to throw him off from his house. And in order to take revenge, he set fire in the house and ran away bare-bodied. And this was the time of midwinter. And he was bare-bodied, and it was difficult for him to, you know, cope up this bitterly cold air. He took shelter in a big store of London, and he enjoyed the free meal and clothing. Now let us see what happens next in the story. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theater world. Ab chuki wo London ke bade store se bhag khada hua tha aur भागते समय उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए थे. अब फिर जो है लंदन की गलियों में वो बिना कपड़ों के घूम रहा था और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. फिर से ठंड से बचने के लिए इस बार वो एक थिएटर की कंपनी में या थिएटर के स्टोर में घुसने की सोचता है. वो इसलिए ऐसा सोचता है क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर उसे सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलेंगे, कपड़ों के अलावा उसे अपने बाकी खुले शरीर के हिस्से को ढकने के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी. शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्रोरी लैन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. और ठंड से कांपते हुए वो ड्रोरी लैन जो कि थिएटर वर्ल्ड का एक सेंटर है वहाँ पे पहुँचता है. ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. और जल्दी ही उसे एक सूटेबल दुकान मिल जाती है. वो उसके अंदर घुस जाता है और सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर जाता है और वहाँ पे उसे पहनने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए बैंडेजेस मिल जाते हैं. पूरे फोरहेड को वो उन बैंडेजेस से ढक लेता है और डार्क ग्लासेस मिल जाती हैं, झूठे नोज़ यानी फॉल्स नोज़ मिल जाते हैं और बड़ा सा हैट मिल जाता है, साइड विस्कर्स भी उसे मिल जाते हैं. तो इस तरीके से वो अपने पूरे के पूरे शरीर को ढक लेता है और जल्दी ही टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैल्यूसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड. और दुकानदार उसे देख न सके इसलिए वो पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है और जो भी वहाँ पे पैसे वगैरह रखे रहते हैं उसको वो लूट लेता है. जो भी वो लूट सकता है वहाँ से वो सारे पैसे लूट लेता है. ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग वेयर ही बुक टू रूम्स एट द लोकल इन. और भीड़ से बचने के लिए, लंदन की भीड़ भाड़ से जो है वो बचना चाहता है और इस वजह से वो इपिंग विलेज जाने के लिए ट्रेन के टिकट्स को बुक करता है. और इपिंग में जो है दो कमरे वहाँ के एक लोकल होटल में बुक कर लेता है. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. और जाड़े के इस समय में
किसी अजनबी का इस तरीके से एक गांव के होटल में आना एक बहुत ही स्ट्रेंज सी बात रहती है। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वैगिंग, और इस तरीके के स्ट्रेंज अपीयरेंस वाले आदमी का इस तरीके से इस ठंड के मौसम में आ जाना लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाता है। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। लैंडलॉर्ड की जो वाइफ हैं जिनका नाम मिसेस हॉल है वो हर संभव प्रयास करती हैं एक दोस्ताना व्यवहार करने के लिए। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू एपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। तो हर संभव प्रयास करने के बाद भी मिसेस हॉल के द्वारा ग्रिफिन जो है कोई भी इच्छा नहीं दिखाता है उनसे बात करने की, और इसके उलट वो कहता है कि मेरा यहाँ पे आने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, एकांतवास। मैं यहाँ पे एकांत में रहना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए, मेरे काम में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना किया जाए। और एक और बात कि एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा चेहरा जो है ख़राब हो गया है, इसी वजह से मुझे अपने चेहरे पर बैंडेजेस वगैरह लपेट के रखने पड़ते हैं। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। और इस बात से कि जो उनका गेस्ट है यानी कि मिसेस हॉल का जो गेस्ट है वो एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है और उसने उस होटल के कमरे का एडवांस में ही किराया दे रखा है, तो मिसेस हॉल जो हैं वो उसे एक्सक्यूज़ करती हैं, उसके इरिटेबल बिहेवियर को जो है नेगलेक्ट कर देती हैं और उसका जो टेम्परामेंट है उसको भी वो अवॉइड कर देती हैं। बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है उसने जो स्टोर से पैसे चुराए थे वो अब ख़त्म हो गए हैं और अब ग्रिफिन के पास रेडी कैश नहीं बचा हुआ है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। तो वो बहाना करता है कि जल्द ही उसके पास एक चेक जो है किसी भी समय पहुंचने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और ठीक इसके बाद एक बहुत ही स्ट्रेंज सी घटना जो है घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाई नॉइज इन द स्टडी। बिल्कुल सुबह भोर में एक पादरी और उसकी पत्नी की जो है नींद खुलती है। अब नींद क्यों खुलती है, क्योंकि उनके स्टडी रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बींग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। और जैसे ही वो चुपचाप धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आते हैं उनको क्लर्जी मैन डेस्क से कुछ पैसे निकाले जाने की खनखनाहट सी आवाज़ आती है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ अ पोकर ग्रैस्प फ्रिमली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर। और धीरे धीरे बिना आवाज़ किए जो क्लर्जी मैन है यानी कि जो पादरी है वो अचानक से दरवाज़ा खोल देता है और कहता है सरेंडर। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. और उसे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है, जैसे ही कमरा खोलता है कमरा तो बिल्कुल खाली रहता है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं रहता है। अब उसकी वाइफ जो है डेस्क के नीचे देखती है, कर्टन्स के पीछे देखती है, यहाँ तक कि चिमनी में भी देखती है। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनी बडी, लेकिन वहाँ पे किसी के होने का कोई भी निशान मौजूद नहीं है। येट द डेस्क हैड बीन ओपेंड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। लेकिन फिर भी डेस्क जो है खुला हुआ है और उसमें हाउस कीपिंग से संबंधित जो पैसा है वो गायब है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर टुडे एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस स्टोरी वी विल ट्राई टू कवर अप इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।